हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड में प्रत्येक पेज पर अलग अलग हेडिंग कैसे दिया जाता है। आप जैसे कि एक हेडिंग देते हैं तो सारे पेज पर वही हेडिंग हो जाता है, तो हम आपको बताएंगे कि सभी पेजों पर अलग अलग हेडिंग कैसे दिया जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे दिया जाता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हम अपने सिस्टम पर आ चुके हैं, तो आपको बताते हैं। पहले विन वर्ड को हम खोलेंगे। सबसे पहले विंडोज के साथ आर रन कमांड करेंगे और इस बॉक्स में लिखेंगे विन वर्ड, देन इंटर प्रेस करेंगे और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, और कोई पैराग्राफ लिख लेंगे, जैसे कि मैं कुछ पैराग्राफ लिख ले रहा हूँ। मैंने एक 8 लाइन का पैराग्राफ लिख लिया। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग पेजों में करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको हेडिंग देना सीखूंगा। जैसे कि मुझे एक यहाँ से ब्रेक चाहिए, तो मैंने इस पर एक बार क्लिक किया। ठीक, उसके बाद लेआउट में आएंगे और ब्रेक में आएंगे, देन सेक्शन ब्रेक के पे में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में ऐसे ही आ जाएगा। फिर मुझे और एक पेज में चाहिए तो मैं इसको इस पर प्रेस करेंगे। ठीक, उसके बाद ऐसे ही फिर लेआउट में जाएंगे, फिर ब्रेक में आएंगे और सेक्शन ब्रेक में आकर नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। आप सभी देख सकते हैं इस 3 पेज में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अब आपको बताते हैं हेडिंग देने पर सभी पर एक ही हेडिंग आ जाता है तो कैसे उसको अलग करें। सबसे पहले हम हेडिंग एरिया पर डबल क्लिक करेंगे, हेडिंग एरिया ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर कोई हेडिंग देख सकते हैं, मैंने दे रहा हूँ क्लास नोट्स का मैंने एक हेडिंग दे दिया। इसके सेंटर में कर लेते हैं और राइटिंग एरिया में डबल क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग एरिया से क्लोज होगा और देख सकते हैं माई क्लास नोट्स इसमें भी है और इस पेज में भी क्लास नोट्स ही आ रहा है। तो तीनों पेज में एक ही आ जा रहा है। तो हम कैसे करें ताकि यहाँ पर क्लास नोट्स रहे बट अगला पेज में क्लास नोट्स नहीं रहे। आप यहाँ से अगर दूसरा लिखिएगा तो वहाँ पर भी अलग वही लिखा जाता है। तो कैसे करेंगे ताकि इस पेज में जो लिखा हुआ हेडिंग है वो इस पेज में ना रहे और अगला पेज में दूसरा हेडिंग हो जाए, तो लिखने के लिए उसके पहले सबसे पहले हम हेडिंग में डबल क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिंक टू प्रीवियस ओपन होगा, उस पर एक बार टैप करेंगे। ठीक, उसके बाद आप इसको कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें माई क्लास करके हेडिंग एक दे दिया। और फिर राइटिंग एरिया में डबल क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं माई क्लास करके एक हेडिंग में दे रहा हूँ, उसको माई क्लास करके एक हेडिंग दे दिया। ठीक, राइटिंग एरिया में डबल क्लिक करेंगे तो माई क्लास इसमें आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। नीचे वाला पेज में आ जाता वही, लेकिन ऊपर वाला पेज में आप देख सकते हैं उसका नाता टूट जाता है। जैसे मैं क्लास नोट्स मैंने दिया था तो क्लास नोट्स है बट दूसरा पेज में माई क्लास आ गया। ठीक, वैसे ही अगर तीसरा पेज में मुझे कोई और हेडिंग चाहिए तो वैसे ही फिर तीसरा पेज में मैंने हेडिंग एरिया में डबल क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद लिंक टू प्रीवियस को एक बार टाइप कर देंगे ताकि पीछे से ना उसका रिलेशन खत्म हो जाएगा और फिर आप जो भी हेडिंग देंगे उसके ठीक नीचे पेज में वही हेडिंग आ जाता है। तो मुझे इसमें दूसरा हेडिंग देना है, जैसे मुझे इसमें स्कूल लिख कर हेडिंग देना है, स्कूल लिख दिया, उस पर फिर राइटिंग एरिया में डबल क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हेडिंग यहाँ पर हो गया। स्कूल लिखने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर माई क्लास है और यहाँ पर माई क्लास नोट्स है। तो अलग अलग पेजों पर अलग अलग हेडिंग हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए, अच्छा अच्छा कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन आप सभी को हमेशा हेल्प करता रहेगा। धन्यवाद।